सो डियर स्टूडेंट, ये हमारा थर्ड ग्राफ मेथड का टाइप है। इसमें ड्रॉ द इक्वेशन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x माइनस टू वाई इक्वल टू फोर, टू एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू ट्वेल्व एंड ऑब्जर्व इट। क्या तो हमने दोनों इक्वेशन को लिख लिया है, कि इक्वेशन के लिए वैसे ही कोऑर्डिनेट निकालते जैसे हमेशा जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले फॉर x इक्वल टू जीरो के हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। फॉर x इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन में x जीरो माइनस टू वाई इक्वल टू फोर, माइनस टू वाई इक्वल टू फोर, वाई इक्वल टू फोर बाय माइनस टू, वाई इज इक्वल टू माइनस टू। जीरो के लिए हमारा y कोऑर्डिनेट आया माइनस टू। अगला फॉर x इक्वल टू टू के लिए हम सॉल्व करते हैं, टू माइनस टू वाई इक्वल टू फोर, माइनस टू वाई इक्वल टू फोर माइनस टू, माइनस टू वाई फोर सॉरी टू वाई इक्वल टू टू बाई माइनस टू, वाई इज इक्वल टू माइनस वन। तो यहाँ माइनस टू वाई इज इक्वल टू टू सॉरी एक्स इज इक्वल टू टू लेने पर वाई इज इक्वल टू माइनस वन आएगा, टू कॉमा माइनस वन। सो यहाँ पर फॉर x इज इक्वल टू टू, टू माइनस टू वाई इज इक्वल टू फोर करके हमारी ये दूसरी वैल्यू निकली है y इज इक्वल टू माइनस वन। हम एक नेक्स्ट वैल्यू के लिए लेते हैं माइनस टू के लिए। सो यहाँ फॉर x इक्वल टू माइनस टू के लिए हम ये सॉल्व करेंगे, माइनस टू माइनस टू वाई इक्वल टू फोर, माइनस टू को ट्रांसफर करेंगे टू वाई इक्वल टू फोर प्लस टू, माइनस टू वाई इक्वल टू सिक्स, वाई इक्वल टू सिक्स बाय माइनस टू, वाई इक्वल टू माइनस थ्री। तो यहाँ पर हमारे लिए आया है माइनस थ्री, कोऑर्डिनेट हुए माइनस टू माइनस थ्री। नेक्स्ट सेम हम जिस तरह से हमने इसके लिए सॉल्व किया है, सेम हम 2x माइनस फोर वाई इक्वल टू ट्वेल्व के लिए सॉल्व करें। फॉर x इक्वल टू टू हम यहाँ पर नंबर लेंगे, फॉर x इक्वल टू टू, सो इक्वेशन होगी टू ब्रैकेट टू माइनस फोर वाई इक्वल टू ट्वेल्व, ये हो गया फोर माइनस फोर वाई इक्वल टू ट्वेल्व, माइनस फोर वाई इक्वल टू ट्वेल्व, माइनस फोर, माइनस फोर वाई इक्वल टू एट, वाई इक्वल टू एट अपॉन माइनस फोर, y is equal to minus 2. For x equal to 2, y is equal to minus 2, हमारे कोऑर्डिनेट हुए 2 कॉमा माइनस टू। x इक्वल टू माइनस टू के लिए सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू माइनस टू, टू माइनस टू माइनस फोर वाई इक्वल टू ट्वेल्व, माइनस फोर माइनस फोर वाई इक्वल टू ट्वेल्व, माइनस फोर वाई इक्वल टू ट्वेल्व प्लस फोर इज इक्वल टू 16, y इक्वल टू 16 अपॉन माइनस फोर, y इक्वल टू माइनस फोर। सो यहाँ पर माइनस टू के लिए हमारी वैल्यू आई है माइनस फोर, माइनस टू माइनस फोर इसके कोऑर्डिनेट हुए। लास्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, फॉर x इक्वल टू फोर के लिए सॉल्व करते हैं। सो ये टू फोर माइनस फोर वाई इक्वल टू ट्वेल्व, एट माइनस फोर वाई इक्वल टू ट्वेल्व, माइनस फोर वाई इक्वल टू ट्वेल्व माइनस एट इक्वल टू फोर, वाई इक्वल टू माइनस फोर सॉरी फोर अपॉन माइनस फोर, वाई इक्वल टू माइनस वन। सो एक्स इक्वल टू फोर के लिए हमारी वैल्यू आई है वाई इक्वल टू माइनस वन, कोऑर्डिनेट हो गए फोर कॉमा माइनस फोर। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स अब हम वहाँ रखते हैं दोनों इक्वेशन के लिए। पहली इक्वेशन के लिए देखिए, जीरो माइनस टू, जीरो माइनस टू, इसके बाद दूसरा कोऑर्डिनेट है हमारा टू माइनस वन, सो एक्स टू वाई माइनस वन, लास्ट है माइनस टू माइनस थ्री। तो एक्स इक्वल टू माइनस टू एंड वाई इक्वल टू माइनस थ्री, तो ये पॉइंट नहीं यहाँ आएगा। ये सारे के सारे जो जितने भी आप ग्राफ देख रहे हैं, मैं जियोजेब्रा जो आपका सॉफ्टवेयर आपके बुक में लिया हुआ है एसटी का, उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट्री बना के आपके जिस भी मीडिया के ऊपर है मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर अपने पीसी में मोबाइल में
या जो भी आपके पास है टैबलेट वगैरह उसमें इंस्टॉल करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज आप ग्राफ पेपर पे भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए इस लाइन को हम ड्रॉ करके देखते हैं। तो यहाँ लाइन ड्रॉ हो चुकी है और सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो एक लाइन से जा रहे हैं। ये लाइन जो है ये हमारी इक्वेशन एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू फोर को रिप्रेजेंट करती है। हम कोऑर्डिनेट को हाईलाइट कर देते हैं। ये जो हमारा कोऑर्डिनेट था ये टू कॉमा माइनस वन, ये जीरो माइनस टू था और ये वाला कोऑर्डिनेट माइनस टू माइनस थ्री है। नेक्स्ट दूसरी इक्वेशन के लिए हम लाइन ड्रॉ करते हैं। हमारा पहला कोऑर्डिनेट है टू माइनस टू, तो यहाँ पहला टू है एंड देन माइनस टू, तो ठीक यहाँ इसके नीचे। सेकेंड हमारा है माइनस टू माइनस फोर, तो यहाँ माइनस टू और माइनस फोर ठीक यहाँ नीचे। अगला हमारा पॉइंट है फोर माइनस वन, तो एक्स इक्वल टू फोर एंड वाई इक्वल टू माइनस वन, तो हमारा यहाँ पॉइंट आएगा। इन तीनों पॉइंट्स को क्योंकि ये दूसरी इक्वेशन का है तो आप इसको डबल सर्कल करके हाईलाइट कर सकते हो ताकि डिफरेंस दिखे। इन तीनों पॉइंट्स को हम फिर से ज्वाइन करते हैं, देखते हैं कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है या नहीं। तो देखिए दूसरी लाइन जो है वो पहली लाइन को पैरेलल आई है। ये जो हमारी लाइन है ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है टू एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू ट्वेल्व। हम कोऑर्डिनेट हाईलाइट कर देते हैं। ये जो हमारा कोऑर्डिनेट था ये टू माइनस टू है, ये कोऑर्डिनेट हमारा फोर माइनस वन और ये जो है हमारा माइनस टू माइनस थ्री सॉरी माइनस फोर। सो आप इस तरह से ग्राफ बना सकते हैं। मैंने आपको क्रॉस ओवरलैपिंग एंड पैरेलल तीनों कंडीशन बता दिए। मैं एक बार फिर से लिख के दिखा देता हूँ। जब आप इस तरह से दोनों लाइन को क्रॉस में पाते हैं तब उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी दोनों का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा जहां पर भी वो कट करे। इसके बाद सेकंड नंबर, जब लाइन ओवरलैपिंग हो यानी पहली लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो, इस कंडीशन में इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। और थर्ड, जब लाइंस पैरेलल हो तब इसका नो सॉल्यूशन होता है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, इसलिए इन दोनों का कोई भी एक कॉमन सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। तो आपने ग्राफिकल मेथड में ये तीन पढ़े हुए हैं, इसी के ऊपर डिपेंडेंट आपकी एक्सरसाइज 1.2 है। सो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। ग्राफ के जितने भी क्वेश्चंस है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, एलिमेंटिंग मेथड, जितना भी आपका अभी तक हुआ है आप सबको रिपीट कीजिए। जहाँ प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं रिगार्डिंग उसके आपका सॉल्यूशन निकालूँ। सभी क्वेश्चन आंसर मैंने इस जो आपकी एक्टिविटी थी, इस एक्टिविटी को क्वेश्चन फॉर्म में तैयार किया था। मैं क्वेश्चन भी पढ़ता हूँ और उसके ऊपर क्या आपको आंसर देना है वो भी आपको देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन को मैंने इस तरह से डिनोट किया था, ऑब्जर्व द ग्राफ। सो आपने इस ग्राफ को ऑब्जर्व किया है, ये ग्राफ पैरेलल लाइन से है, ठीक है। तो आप लिखोगे आंसर द ग्राफ इज पैरेलल। सेकंड क्वेश्चन मैंने इसमें बनाया, थिंक ऑफ द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कोएफिशिएंट ऑफ वाई एंड कांस्टेंट। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो, एक्स में आपको लिख के बताता हूं। सो यहां रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहां लिखिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ये दोनों 1/2। सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ वाई, कोएफिशिएंट ऑफ वाई अगर देखेंगे तो यहाँ पर माइनस टू माइनस फोर, सो हमें पहले मिलेगा माइनस टू माइनस फोर, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 1/2। हमको कंपेयर करना है कांस्टेंट, सो साथ में कांस्टेंट को भी देखते हैं तो 4/12। सो यहाँ कांस्टेंट टर्म है, फोर बाय ट्वेल्व इज इक्वल टू 1/3। यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हो गए 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/3। सो आपके पास रेशियो के कंपैरिजन से आप डायरेक्टली पहचान सकते हो कि आंसर कैसे आ सकता है।
अगर आपने इक्वेशंस ली है, इक्वेशंस के कोएफिशिएंट को, कोएफिशिएंट x इक्वल टू कोएफिशिएंट y इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, तो आपकी जो लाइन है उसका आंसर पैरेलल आएगा, या आप सामने वाले को बता सकते हो विदाउट ये आप सॉल्व किए हो। सिर्फ आपको कोएफिशिएंट्स को चेक करना है, इनके कोएफिशिएंट जैसे यहाँ पर मैंने चेक किया है, इसका कोएफिशिएंट नहीं यानी 1 है, 1/2, फिर यहाँ -2/-4 है कांस्टेंट का अलग। अगर ये सारे के सारे इस फॉर्म में आते हैं x इक्वल टू y इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, तो आप बता सकते हो कि ये पैरेलल है, और अगर तीनों इक्वल आते हैं तब आप बता सकते हो कि ये इक्वेशन जो है वो कैसी है, ओवरलैपिंग लाइन की, जो मैंने इसके पहले वाले सेशन में। लास्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द इन्फरेंस, कि आप इससे क्या समझते हो। सो व्हेन, जब भी आप देखोगे कि जब पॉइंट्स या जब रेशियोज जो है वो एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू नॉट इक्वल टू कांस्टेंट टर्म के बराबर आएगा, तो हमारा ग्राफ जो है वो पैरेलल लाइंस को देगा, और पैरेलल लाइंस हमें ये बताएगी कि इन दोनों इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, यानी आंसर आएगा द बोथ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, यानी ये। तो यहाँ पर आपका ग्राफिकल मेथड कंप्लीट होता है। अब आप 1.2 को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिटरमिनेंट और क्रैमर रूल्स। तो तब तक के लिए गुड लक।